हेलो बच्चों वेलकम टू बाईज एज ऑलवेज आई होप यू आर डूइंग वेल सो एम की सबकी इच्छा है सो so, लेट्स हंट फॉर इट तो so, एज यू you नो know, कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेसेस दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और मैं रिकमेंड करूंगा कि दो पार्ट आप पढ़ के इस वीडियो को देखें तो थोड़ा को होगा ये थर्ड पार्ट है और यहाँ पे थोड़ा कंसेप्टो तो शायद पेन और कलरिंग पेन लेके बैठना है ना थोड़ा सा उनमें तभी आएगा आपको ना बहुत इजी है थोड़े कंसेप्ट टॉपिक है थोड़ा रट्टाफिकेशन जाएगा लेकिन हाँ आपको खुद एक बार समझ में आ गया कंसेप्ट आप तो कभी नहीं भूलेंगे इस टॉपिक को ठीक है कभी कोई क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था ए, ये वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ओ आर आई के बारे में पढ़ा था कि ओ आर आई क्या होता है दो चीज फॉर्म करता है क्या एक तो कंट्रोल द कॉपी ऑफ नंबर कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है साथ में ये क्या कॉपी कर ये क्या करता है कि ये साइट है जहाँ से क्या होता है रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है ओके सो लेट्स गो बिट स्लो एज यू नो बाटेक एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सो अब सेकेंड थिंग है जो इंपॉर्टेंट है इन्होंने कहा था ओ आर आई ओ आर आई और ये सब क्या है जो चीज है ये क्या है कि वैक्टर को एक वैक्टर के लिए क्लोनिक वैक्टर के अंदर क्या क्या नीड है हमारी ठीक है तो इन्होंने बोला भाई एक ओर आई की जरूरत है ठीक है बहुत सारी चीज गिरती है उसमें एक ओ आई की जो है पहले बताया था कि भाई की मार्कर चाहिए हमें ठीक है, है? मार्कर के अलावा लाइगेज चाहिए रिकॉमेंडे डी एन ए चाहिए सब पड़ चुके हैं उसके बाद डिकॉम् चाहिए ओ आर आई ओ आर आई की बात करें पोस्ट वैक्टर के अंदर लेक्टेबल तो मार्कर का क्या रोल है साथ में जो जीन है वो किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ है ठीक तो है तो यहाँ लिखता है एनसीआरटी की इन एडिशन टू ओआरआई द वेक्टर रिक्वायर्स रिक्वायर सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टिवली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ उनको क्या करेगा आइडेंटिफाई करेगा ठीक और एलिमिनेट करेगा एंड परमिट करेगा ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट की ठीक है ट्रांसफॉर्मेंट की इसने डेफिनेशन क्या दी है ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डी एन एज इंट्रोड्यूस होस्ट बैक्टीरियम ये चीज याद रखना किसम बताया इसने होस्ट के बैक्टीरियम में ठीक है

ड्रग भी मिलती है आपको मार्केट में जब आप डॉक्टर बनेंगे तो मिलेगी ठीक है द नॉर्मल इकोलाई नॉर्मल नॉर्मली किसी भी, normal, भी uh, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो नहीं करता है ठीक है और जो नॉर्मल है जो हम ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए हमें जो होस्ट का डीएनए है होस्ट के बैक्टीरिया में हम क्या करेंगे ये वाली चीजें डाल के हमें पता लग जाएगा कि वो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ नहीं हुआ है ठीक है अभी समझ में आएगा आपको इज ट्रांस यदि नहीं आया समझ में तो अभी देखो एक डायग्राम बनाएंगे उसको तो बहुत ढंग से समझ में आएगा ठीक है आप ये याद रखिए ट्रांसफॉर्मेंट क्या है जो प्रोसीजर इन ए पीस पीस ऑफ ऑफ को इंट्रोड्यूसके अंदरियम के अंदर ठीक है ओके सेलेक्टेबल मार्कर है ठीक है ये सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए हमें वेक्टर के अंदर ठीक है सिंपल ये कहना चाह रहा है ये कि वेक्टर को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी बैक्टीरियम के अंदर होस्ट के बैक्टेरियम तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है क्लोनिंग साइट क्लोनिंग साइट का क्या मतलब है बहुत कम क्लोनिंग साइट्स चाहिए वेरी फ्यू सिंगल यदि मल्टीपल होगी तो देखो यदि सिंगल मल्टीपल है तो अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा हमें डिजायरेबल मिलेगा ही नहीं ठीक है यदि सिंगल रिकॉग्नाइज साइट हो उस एक रेस्ट्रिक्शन एंडक्लियस के लिए तो हमें क्या मिलेगा एक जगह से रेस्ट्रिक्शन कट हुआ और हमें जो डिजायरेबल जो रेस्ट्रिक्शन एंडस हमने ऐड किया तो वहीं जाके ऐड होगा मल्टीपल साइट पर ऐड नहीं होगा ठीक है ओके okay. और हमें क्या करना है लाइगेशन ऑफ जो, alien site, हमें क्या जो सिंग, देखो, क्या है आउट सिंगल इकोनोमिक सेकंड प्रिफुल क्या होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट ए फोर एंड बी एम बेमेच साइट ऑफ टेट्राइक जीन इन दैक्टर पी वी आर थ्री

ये क्लोनिंग वाली जो जीन है पूरी टेक्ट्रा को क्या कर रही है, रेस्टेंट, आर मतलब रेस्टेंट है इस एंटीबायोटिक मतलब यदि हम इस वाले प्लाजमिक को इकोलाई के साइकिल के अंदर डाल देंगे तो ये उसके अंदर ग्रो कर जाएगी रेस्टेंट का मतलब होता है अपोज कर रही मतलब ग्रो कर रही है ठीक है हमने क्या किया एक फॉरेन डीन को यहाँ पे लाइगेट किया क्योंकि इसका नेचुरल जो वो है जो नेचुरल फाइव डेज टू थ्री डेज जो क्या है कोडोन है वो क्या है टूट जाएंगे जैसे ही इसका जेनेटिक मेकअप टूटा एज ए जेनेटिक मेकअप ऑफ दिस साइट इज लॉस्ट रेजिस्टेंट बाई टेट्रासाइक्लिन लॉस्ट अब कि ये क्या करेगा टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट शो नहीं करेगा अब इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जैसे ही गालेंगे तो क्या करेंगे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसी वाला मतलब की बात करें अभी ना जो नॉन है जो रेजिस्टेंट शो कर रहा है ठीक है वो क्या करेगा ग्रो करेगा ग्रो क्या नहीं करेगा जो रिकॉम्बिनेंट हो गया इन शॉर्ट जहां पे फॉरेन डीएनए आ चुका है वो वाला पार्ट क्या है रिकॉम्बिनेंट ठीक है एक लाइगेट किया फॉरेन डीएनए को इस वाली साइड के ऊपर ठीक है

विद uh, कोई लिखता हूँ मैं सिंपल वेक्टर डीएनए विद फोर एन डीएनए ठीक है विद 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 सॉरी डीएनए ओके ये क्या वेक्टर और ट्रांसफॉर्मेंट क्या हुआ बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया कौन सा होस्ट वाला होस्ट का बैक्टीरिया विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके अंदर है वेक्टर के अंदर या कहा जाए तो सिंपली ठीक है

हमें क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने ठीक एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने एक्सटे इंडो डाला बैम एच वन के अपोज में एक वैक्टर में डाला एक हमने क्या डाला डिजायरेबल क्या डाला डिजायरेबल क्रोमोजोम क्या बोले जीन uh, बोला जाए तो डिजायरेबल एक क्रोमोजोम सिंपल एक यहाँ डालते हैं क्रोमोजोम ठीक है क्रोमोजोम क्रोमोजोम विथ डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट

जो भी है इक्वलाइस e क्या होगा e इक्वल होस्ट के अंदर इंसर्ट करेगा देखो तीन पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी क्या बनेंगे वही देखेंगे और वो ही सबसे इम्पोर्टेंट तो है समझ में ठीक है तीनों के ये क्या है तीनों e है मैंने इक्वल ठीक है ध्यान से बच्चों ठीक है हमने सिंपल क्या लिया देखो यहाँ पे इसको ब्लैक कलर से प्लाजमेट को शो कर रहे हैं ठीक है वेक्टर प्लाजमेट है तीनों के अंदर वेक्टर प्लाजमेट आया है ये वेक्टर प्लांट देखो थोड़ा डार्क से शो कर रहा हूँ ये वेक्टर प्लाजमेंट ठीक है ये एक वेक्टर प्लाजमेंट ठीक है दो और थर्ड के अंदर प्लाजमेट आया ही नहीं है ठीक है थर्ड वाले के अंदर वेक्टर प्लाज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जिस इकोलाई को डाल रहे वेक्टर प्लाजमेट गया है नहीं तीन बनती है एक जिसमें वेक्टर वेक्टर गया गया दो जिसमें जिसमें एक नहीं गया ठीक है अब देखो एक जीन कौन सी हमने हमने कौन सी जीन के साथ किया बेम एच वन बैम एच वन किस में थी आपको पता है टेट्रस और एक हमने एमपी को काम में लिया तो हमने क्या किया एमपी तो भाई अभी क्या है इंटेक्ट है ठीक है भाई चलो एमपीसीन तो इंटेक्ट है ये एमपीसी इंटेक्ट ठीक है और दूसरी जीन कौन सी हमने ली यहाँ पे ये वाली ग्रीन ये कौन सी थी बेम एच वन ठीक है साइड कौन सी थी बेम एच वन ठीक है ये कौन सी साइड थी ये डाली हमने बैम एच वन ठीक है अब बेम एच वन पे भी कौन सा हमने क्या किया हमने डिजायरेबल जीन डाला ठीक है तो देखो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने बे पे काम किया डाल देता हूं मैं भाई की साइड कौन सी ग्रीन वाली है ठीक है और रेस्ट्रिक्शन ने काम किया इस ब्राउन कलर पे ठीक है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस ने हमारे डिजायरेबल जीन किस में फॉर्म में डाला ब्राउन कलर में ओके ये ब्राउन कलर में डाल दिया ये ठीक है मैं बताता हूँ ये तो क्या है डिजायरेबल है ठीक है तो तीन तीन एबिलिटी हुई ठीक है तीन क्या हुई तीन चांस क्या बने हमारे ठीक है

गया है तो ये क्या है ट्रांसफॉर्मेंट तो है ये क्या है ट्रांसफॉर्मेंट तो है ठीक है ओके भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है इसके अंदर मैंने बताया था लेकिन जो है वो तो, हमने इसको तो बोला है ठीक है देखो ट्रांसफॉर्मेंट की डेफिनेशन क्या यहाँ पे थ्रू बीच है प्लाज्मिड तो गया है ठीक तो है यदि हम बोले ट्रांसफॉर्मेंट की बैक्टीरिया विथ डेफिनेशन जाए हम एनसीआरटी की तो बैक्टीरिया विथ क्या बोलेंगे पीस पीस ऑफ ऑफ बैक्टीरिया जीन 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 और और ए न्यू न्यू ठीक ठीक है 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 मोर होगी एनसीआरटी के अकॉर्डिंग ठीक है तो यहाँ पे यही हुआ ठीक है अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेंट हुआ लेकिन ये क्या हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ अभी ठीक है नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों हुआ क्योंकि भाई कोई चेंज नहीं हुआ हमारे

हम तीनों को ग्रो करेंगे तीनों को एक पेट्री डिश में डाला हमने ठीक है ऐ, वन टू थ्री वन क्या है नॉन वन क्या है रिकॉम्बिनेंट भी है भाई ट्रांसफॉर्मेंट भी है ये क्या है नॉन रिकॉम्बिनेंट है लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट है और ये ना नॉन रिकॉम्बिनेंट है एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है सही है देखो बच्चों नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एनआर टी डाल दी हो ना एन आर टी है ठीक है एनआर ठीक है देखो अब इसको हम एक बार वापस करते हैं रिकॉम्बिनेंट मतलब एम पी सिलीन के लिए रेस्टेंट है टेट्रासाइक्लिन के लिए है नहीं है ये क्या है एम के लिए रेसिस्टेंट है टेट्रासाइक्लिन साइकिल है है ये एमपीसीन के लिए रेसिस्टेंट है नहीं है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट है नहीं है ओके समझ में आया इतना अब देखो पैट्रिडिस को ग्रो करते हैं ग्रो का मतलब क्या होता है हम यहाँ से एक सैंपल लेते हैं जैसे आप फिल्म लेते हैं ना जैसे ऊपर से चिपकाते हैं फिर उसको अलग से ग्रो करते हैं इस पूरी पेट्रेडिश को ग्रो कर देंगे तो सारा ही रिकॉमिनेट निकॉमिनेट खत्म हो जाएगा फिर हम यूजी क्या लेंगे ठीक है कई बच्चों के मुझे भी मेरे यूजी डेज में डाउट होता था है जब पेट्रोडिस को पूरा यूज कर लिया हमने तो हमें फायदा क्या हुआ तो हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ से एक फिल्म लगाते हैं इसके ऊपर फिल्म के ऊपर जो तीन चार एक कॉलोनीज के दो तीन बैटरी चिपकते हैं ठीक है उसके क्या एडेर होते हैं वो एडेयर वाली जो अलग से फिल्म है उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक है अब देखो जब मैंने इसको ए, एम्पी वाले में डाला क्योंकि फर्स्ट वाले है तो फर्स्ट वाला क्या करेगा आराम से ग्रो करेगा ठीक है फर्स्ट है सेकंड वाले के अंदर भी भाई एमपीसी रेस्टेंट है सेकंड वाला भी क्या करेगा ग्रो करेगा लेकिन थर्ड वाला क्या करेगा ग्रो नहीं करेगा सिंपल अब देखो यहाँ पे क्या हुआ को टेट्रासाइक्लिन में डाला फर्स्ट वाला के अंदर टेट्रासाइक्लिन लॉस्ट हो गई तो फर्स्ट वाला ग्रो ही नहीं करेगा ठीक है फर्स्ट वाला ग्रो नहीं किया सेकेंड वाला क्या किया ग्रो किया ठीक है अच्छी ढंग से थर्ड वाला फिर ग्रो नहीं किया बिल्कुल भी ठीक है तो यही बात है समझ में आया टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन और पैट्रिश का क्या लफड़ा हुआ ठीक है तो आंसर क्या हुआ कौन सा पता लगा हमें कि रिकॉम्बिनेंट और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है ठीक है हमें क्या पता लगा कि भाई पहला रिकॉम्बिनेंट भी और पहला ट्रांसफॉर्मेंट कैसे पता लगा सेलेक्टिव मार्कर से सेलेक्टिव मार्कर क्या था यहाँ पे अभी हमारा टेट्रासाइक्लिन था और दूसरा क्या था एमपी था ओके देखो तो ये जो पैराग्राफ है ना जो ये हमने छोड़ा था यहाँ पे कि मैं बाद में समझाऊंगा ये पैराग्राफ ये वाला अब देखो ये वाला प्रकार समझते हैं ठीक है इसमें क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में देखो सबसे पहले हमने क्या है अलग अलग लिया ठीक है पहले एमपीसी में डाला फिर टेट्रा यहाँ बोला इसने देखो यहाँ एनसीआरटी क्या कहती है फॉर एग्जांपल देखो यू कैन लाइगेट You can ligate like a foreign DNA at on one side of tetrahedron gene with factor. Okay. इधर ये बोलता है अगली line.

ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्मेंट ये नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है तो एमपी में डाला एमपी में डालते ही क्या हुआ पहला वाला रिकॉम्बिनेंट था भाई ग्रो कर गया सेकंड भी ग्रो कर गया क्योंकि एमपी की जीन नॉर्मल है थर्ड वाला कोई मतलब ही नहीं है ठीक है टेट्रासाइक्लिन टेट्राइकिले डाला इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो फर्स्ट ग्रो ही नहीं किया क्यों क्योंकि रिकॉम्बिनेंट था सेकंड वाला नॉन रिकॉम्बेडेंट था रेजिस्टेंट शो है शो कर रहा है अभी भी ठीक है

नॉट डेट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा देखो क्यों क्योंकि रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया चेंज हो गया टेट्रासाइक्लिन से फाइट करने की एबिलिटी जा चुकी है तो सन में आई ये लाइन ये कह रहा है कि पहले हम दी एमपीलिन पे ग्रो करेंगे फिर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेंगे तो ये डिफरेंशियट करेगा क्या कि एक डिफरेंशिएट करेगा कि कैसे हम सेलेक्ट करें ट्रांसफॉर्मेंट को और कैसे हम सेलेक्ट करें रिकॉम्बिनेंट को ये लाइन कह रही है ठीक है लिखा हुआ था रिकॉम्बेनेट विल ग्रो इन एमपी सिलटेनिंग मीडियम But but not recombinant, recombinant, recombinant recombinant non 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 will will no, grow grow in the 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 medium containing both स वन एंटीबायोटिक रेस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट भाई पहली क्या कर रही है ट्रांसफॉर्मेंट को select करवा रही है ट्रांसफॉर्मेंट मतलब बैक्टीरिया को select करवा रही है ठीक है ओके सब में आया कि भाई ये क्या हुआ ये रिकॉम्बिनेंट था ये नॉन रिकॉम्बिनेंट था लेकिन एमपीसलिए क्या करवा रही है okay, कि भाई बंदा क्या है ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है अभी मतलब डीएनए हमारा वेक्टर जा चुका है ट्रांसफॉर्मेंट क्या करता है कि वेक्टर जा चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन से करेगा वेक्टर वाला ठीक है

ओके okay. देखो ये लिखा हुआ है अब देखो ये क्या है थोड़ी कंबर्सन प्रोसेस थी कम्बरसन मतलब हेक्टिक प्रोसेस थी कि आप पहले एम्पिस्लिन में डाल रहे हो फिर टेट्रा में ग्रो कर रहे हो इतना प्रोसेस ठीक है और आप क्या कर रहे हो मतलब बैक्टीरिया से भी प्ले कर रहे हो रेस्टेंट है नहीं है उसके अंदर तो हमने क्या किया एक न्यू एक न्यू सेलेक्टेबल मार्कर निकाला हमने क्या किया रिकॉमिनेट डीएनए को जो हमारा था ना उसको ऐसी जगह इंसर्च किया जहां पे क्या हो एक कोडिंग सिक्वेंस क्या हो जो क्या कोड करता है बीटा गलेक्टोसाइड एज एंजाइम

सिंपल कहला जाए यदि आप कोको कोला को ले रहे हैं कोको कोला को चेंज कर कोको कोला को मेरिंडा को 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 में, में चेंज करने का यदि टैलेंट ही नहीं एंजाइम के अंदर उस बैक्टीरिया के अंदर तो चेंज नहीं होगा वो ठीक है समझ में आया ओके तो ये कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड विद इन कलर सिक्वेंस ऑफ डीएनए बीटा गलेक्ट्रोस एंजाइम इससे क्या हुआ इनएक्टिवेशन हुआ जीन का सिंथेसिस एंजाइम का नहीं हुआ इनसर्स इनएक्टिवेशन हो गया ठीक है सिंपल यदि हम कहा जाए कि भाई आपके पास एक सिलेंडर है ठीक है सिलेंडर के अंदर गैस है गैस से क्या बन रहा है खाना बन रहा है ठीक है यदि हम गैस को ही बंद कर दें गैस को ही इनएक्टिवेट कर दें तो उससे क्या बनेगा खाना बनेगा ही नहीं इसको हमने कहा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है हमने कुछ चीज को इंसर्ट किया उससे हमारा एंजाइम नहीं बन रहा है उनसे क्या होगा चीजें इनएक्टिवेट हो गई है काम नहीं कर रही है तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ जब हम कुछ इंसर्ट करने भाई ऊपर क्या इंसर्ट कर देते हैं बी एम बे के अंदर क्या कर देते हैं जीन नोफर इंटरेस्ट यहाँ पे हम बीटा गैलेक्टोसाइड वाले जो कोडो ना जो डीएनए का जो पार्ट है उस वाले पार्ट क्या करेंगे? हमारे जीन करेंगे? होते ही हो क्या कलर चेंज नहीं, क्यों? क्योंकि बीटा बनी नहीं रहे मीन क्या हुआ प्रजेंट मीन इंसर्शन प्रजेंट हुआ तो इसको हम कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्योंकि इंसर्ट कराने पर चीजें इनएक्टिवेट हो गई है डीएक्टिवेट हो गई ये काम नहीं कर रही है बीटा गिलेक्टो ये जो एंजाइम है बीटा साइड नहीं बन रहा है ठीक है इट मीन डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इसलिए लिखा हुआ है नो कलर चेंज देखिए यदि ये नहीं हुआ रिकॉमेंड नहीं हुआ तो कलर चेंज नहीं होगा ब्लू कलर रहेगा ठीक है समझ में आया अब देखो ये बता रही है अगली लाइन की वैक्टर फॉर क्लोनिंग क्लोनिकीन प्लांट एनिमल देखो ये सरप्राइज है हमारे लिए कि ये जो चीजें हैं ये बैक्टेरिया वायरस कई साल से कर रहे हैं खुद के साथ में ठीक है ये कर रहे हैं यू कर जैसे हम जैसे हमें इफेक्ट करता है कोई वायरस हमें इन्फेक्ट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस हमें इन्फेक्ट करता है ठीक है ये किसी भी प्लांट को कोई यदि वायरस या कोई पैथोजन इन्फेक्ट करता है तो वो ये करता है डीएनए का एक पार्ट खुद उसमें इंसर्ट कर देगा और ट्रांसफोट नॉर्मली ट्रांसफोर्ट मतलब नेचुरली प्रोसेस है जो हमने क्या है हमने खुद ने बनेंगे लेकिन ये प्रोसेस नेचर में ऑलरेडी हो रही है ठीक है तो यही पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि प्लांट एनिमल इस प्रोसेस को जानते हैं बहुत वर्षों से ठीक है फॉर एजेस क्या चाहता है ठीक है यही तो इसका एक एक्साम्पल है एग्रो एक बैक्टेरियम ट्यूमी फेसियंस ये एक जांपल, एक जांपल याद होना चाहिए जो कि डाइकोट प्लांट पैथोजन है क्या करता है अपने डीएनए के पी एस को टी डीएनए बोला है जिसको ट्रांसफॉर्म करेगा ठीक है इंटू ए ट्यूमर सेल है ना और उसको नॉर्मल सेल को और उसको वो ट्यूमर सेल किस में चेंज हो जाएगी ट्यूमर सेल के अंदर ट्यूमर सेल मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगी ग्रोथ शो करेगी तो जो जैसे ट्यूमर सेल ग्रोथ शो करेगी तो क्या हो गया केमिकल रिक्वायर्ड बाई दैथोजन पैथोजन तो पैथोजन को जो केमिकल चाहिए वो क्या करेंगे मल्टीपल नंबर से मिलेंगे नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएगी ये पैथोजन को क्या चाहिए प्रोड्यूस केमिकल या जो भी उसको चाहिए वो बन जाएगा ठीक है ऐसा हमने बोला है सिमिलर डेट्रोवायरस कुछ होते हैं एनिमल के अंदर जो क्या करते हैं नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में चेंज कर देते हैं ठीक है थीके? ओके okay. so, uh, है, है बहुत ढंग से तो हमें ये तरीका जानना होगा कि यू कैरिट तो होस्ट के अंदर कैसे पैथोजन क्या कर रहा है इंसर्ट कर रहा है कैसे जीन को डिलीवर कर रहा है ठीक है ओके डन देखो अब इसने क्या दिया था ट्यूमर प्रोड्यूस टी आई प्लाजमेट ऑफ नाउ बीन मॉडिफाइड टू तो क्लोनिंग वेक्टर। ये जो ट्यूमर था ये जो प्लाजमिट जो ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा था टीआई ठीक है

तू तेरी नंबर बढ़ाया जा लेकिन जो हमारा जीन है उससे वो हमें फायदा देगा ठीक है मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसकी पैथोजेनिक एबिलिटी को जैसे जैसे हम ये बनाते हैं जैसे कोई भी वैक्सीन बनाते तो हम यही करते हैं हम वैक्सीन बनाते हुए जैसे आप हायर एमबीबीएस में जाएंगे तो पता पड़ेगा उसमें करते हैं वैक्सीन ऐसे ही बनती है हम क्या करते हैं किल्ड वैक्सीन बनाते हैं तो लाइव वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं बैक्टीरिया को मल्टीपल प्रोसेस से निकालेंगे ठीक है हीट कोल्ड हीट कोल्ड हीट कोल्ड तो वो क्या करेगा अपनी पैथोजिनिटी लीव कर देगा मतलब इन्फेक्ट करने की एबिलिटी ठीक है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर सिम्टम लाने की पैथोजेनिक लेवल पे स्टोलॉजी लेवल पे इन्फेक्ट करने की एबिलिटी को क्या कर देगा किल कर देगा जैसे चिकन पॉक्स का लिया हमने ठीक है तो वो चिकन पॉक्स वाला चिकन पॉक्स करेगा ही नहीं करेगा तो बहुत मिनिमम लेवल पे करेगा जिससे आपकी बॉडी फाइट कर पाए ठीक है

का मतलब है कि हमारे लिए कंपेटेंट का सिंपल मतलब है है कि हमें क्या करना डीएनए को एबल करना है, है। मतलब वाटर या कोई भी चीज उसके अंदर परमेबल क्या होगी बिल्कुल जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी क्यों क्योंकि सेल मेम्बरिन क्या होती है होती. पढ़ा ना एज सिंगर निकोलसन का मॉडल था कौन सा लिपिड ये लिपिड वाला मॉडल था तो उसने क्या बोला था कि सेल किसकी बनी होती की। कि क्या? है जैसे देखते ना ऊपर मतलब मतलब वैसे ही तो क्योंकि लिपिड क्या ऊपर तैर रहा है तो सेम ऐसा होगा ठीक है यहाँ पे भी इसलिए क्या होगा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल तो क्या करेगा डीएनए की सेल मतलब सेल को क्रॉस नहीं कर पाएगा ओके तो हमने क्या किया कुछ चेंज किया हमने क्या किया चेंज हमने क्या किया कम्पिटेंट कैसे बनाया सेल को कम्पिटेंट कैसे बनाया उसको लेने के लिए उसको प्लाजमेट को इंसर्ट करवाने के लिए भाई ऐसे अपनी मर्जी तो ले नहीं लेगा आप जो डाल रहे हो इकोलाई e. का प्लाजमेट कुछ चेंज करेंगे ना तो हमने मीडियम में क्या चेंज किया हमने क्या कर दिया इसको फोर्स किया कैसे हमने क्या किया सेल को कम्पिटेंट बनाने के लिए हमने क्या किया कि स्पेसिफिक कंसल्टेंट डाइवेलेंट कैटाइन की हमने बढ़ा दी इससे क्या हुआ कि भाई इफिकेसी बढ़ गई लेने की ठीक है ठीक है और ये कैसे द विद डीएनए एंटर द कह टू पोर इन सेल वॉल वा। सेल वॉल के अंदर पोर बने उससे क्या इफिशियंसी बढ़ गई लेने की ठीक है हमने क्या किया या फिर हमने क्या किया सेल एक सेल लिया सी कॉम्बिनेट डीएनए लिया उसमें आइस में डाला फिर हीट किया एक चार सौ बीस फिर ही आइस पे किया चेंज टेम्परेचर चेंज से भी क्या हुआ बैक्टीरिया ने क्या लिया अपनी थोड़ी मॉर्फोलॉजी चेंज कर इंसर्ट हो गया हमारा डीएनए ठीक है अदर वे के अंदर क्या किया हमने सीधा माइक्रो इंजेक्शन ही लगा दिया बहुत माइन्यूट इंजेक्शन ठीक है इंटू डायरेक्ट न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल ठीक है या फिर हमने क्या किया एक पिन प्लांट के अदर मेथड का लिया सेल लिया क्योंकि प्लांट ये मल्टीपल सेल है तो बॉम्बार किया एकदम से गन छोड़ते हैं तो बहुत सारी गोलियां ऐसे मल्टीपल गोलियां ठीक है मल्टीपल बुलेट छोड़ीसिटी पा, माइक्रो पार्टिकल है ना गोल है ना गोल्ड या टंगस्टन के है विद ठीक है ये वाली टेक्निक एम्फोटेसिन बी नाम की ड्रग है जो फंगी साइड ड्रग है जो आप पढ़ेंगे हायर क्लास के अंदर एमबीबीएस में जाएंगे ना ड्रग होती है एम्फोटेसिन बी जो अभी कोविड में काम पे आई थी ठीक है वो भी ऐसे ही होती है ठीक है उसके साथ हम क्या करते हैं लिपिड अटैच करते हैं तो फटाफट अंदर जाती है वो सेल के ठीक है, नॉर्मल कंसेंट्रेशन कम होती है लेकिन जैसे तो मतलब, मतलब लिपिड की फटाफट तो क्रॉस कर गई वो, -फट वो लिपिड को ठीक है सेम यहाँ पेल कोई बम्बर्ड माइक्रो पार्टिकल से गोल्ड और टंगस्टन याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है कौन सा है कौन सा पार्टिकल है एंड टंगस्टन शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ कौन सा पार्टिकल है एंड टंगस्टन ठीक है गोल्डन टंगस्टन के साथ किया कोट विद डीएनए को इससे क्या हुआ इसे क्या नाम दिया गन या जीन गन ओके तो क्या हुआ पैथोजन का मतलब क्या हुआ एबिलिटी लॉस टू स्टार्ट ए डिजीज ठीक है टू दिस सेल ट्रांसफर मतलब जो डिजीज स्टार्ट करने की जो एबिलिटी है वो लॉस्ट कर दी दीजिए ठीक है थीके? जो बताया था मैंने पैथोजन डिसाम पैथोजन का ठीक है लेकिन ट्रांसफर कर रहा है अभी भी ठीक है और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक चार्ज होता है डीएनए सेल क्या होती है लिपिड बाइलेयर क्या होती है हाइड्रोफोबिक होती है ठीक है हाइड्रोफिलिक चार्ज होता है डीएनए एन हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को लव करते हैं और सेल हाइड्रोफोबिक होती है ठीक है आई होप एल एक्सर समझ में होगा थोड़ा कंसेप्चुअल है ये वाला पार्ट यदि आपके समझ में आ गया ठीक है वॉट इज रिकॉम्बिनेंट वॉट इज ट्रांसफॉर्मेंट तो बहुत ईजी है ठीक है एक बार इसको अपनी मर्जी से इमेजिन करके करना आई होप तुम बिल्कुल कर लोगे ठीक है बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है यदि लेक्चर पसंद आए तो थैंक यू तीन चार दिन बाद में लास्ट वाला लेक्चर डाल दूंगा फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के और एक रेपिड रिवीजन भी डालूंगा साथ के अंदर ठीक है जिसको आप कान बंद मतलब आईज बंद करके सुन लेना ऑलमोस्ट सारे कंसैप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा उसके अंदर ठीक है ऑडियो होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जी एंड कमेंट कुछ पस, कुछ भी यदि कमी लग रहे हैं कुछ लगा प्रोसिएशन में कोई मिस्टेक है तो आप बोल सकते हैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट ओके एंड हिट द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन थैंक यू